नूर का गुल, सोधी हर रहे, ऐसे बहुत ही बेकार से चीजें। अभी बताएं जब हम खाना बना के घर चल जाता नहीं तब ओकरी बाद हम आप जिम्मेदारी ली है कि नहीं? नहीं, हम नहीं जिम्मेदारी ले लेबे। स्कूल का देखभाल जिम्मेदारी आप नहीं ली है? हम जिम्मेदारी बस स्कूल बंद भइल हम तब से हमें नहीं आवे नहीं ना हम घर में से। हाँ नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं रिपोर्टर सका। अभी हम हैं देवरिया से 7-8 किलोमीटर दूर एक स्कूल में और ग्राम समस्या की रिपोर्टिंग करते करते पहुंच चुके एक गांव जिसका नाम है पाणेचा। प्रधान नए नए हुए हैं, स्कूल की स्थिति को बता रहे हैं आपको। स्कूल की स्थिति में आप देखेंगे तो पीछे सारे लटका हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल आते नहीं हैं। प्रिंसिपल से जब बात किए तो उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि स्कूल जो है वो कई दिनों से नहीं खुला हुआ है, महज 2-3 दिन से खुला हुआ है। स्कूल के अंदर अराजक चीज है, ये आप लिखे आपको दिखा रहे हैं, ये आपको लिखा रहे हैं, ये देखेंगे नूर का गुल, सोधी हर रहे, ऐसे बहुत ही बेकार से चीजें यहाँ पे हैं। स्कूल में लोग पढ़ने आते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें करने, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हालत है क्योंकि यहाँ पे प्रधानाचार्य कभी झांकने भी नहीं आते। पंखे को आपको दिखाते हैं, पंखा देखकर कैसे टूटा हुआ है, पंखा पूरे ऐसे टूटा हुआ है। जब हमने ग्रामीण से बात की तो ग्रामीणों ने बोला कि प्रिंसिपल कभी यहाँ पे आते नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि ग्रामीणों की लापरवाही के कारण ये ऐसा माहौल है। इस स्थिति, स्कूल का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन टूटा हुआ है स्थिति। हम सब बात किए और अभी की यहाँ की रसोइयाँ हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल है और आसपास के पड़ोसी जो लोग हैं इस पे क्या बोल रहे हैं, उनका भी वीडियो हम आपको इसमें दिखाएंगे। कितने दिन से स्कूल खुला हुआ है? स्कूल के गेट बंद रहा भैया, शांत रहिए। सीकर काट के ताला उठा ले गई था। सीकर काट के? हाँ। ताला तो तुम लगा हुआ है उसमें का गेट में? अच्छा। हाँ। ताला लेके चले गए तो सीकर ऐसे काट तो के आप यहाँ से दूर रहते हैं क्या? ज्यादा दूर नहीं होगा, उधर ही घर। रोज आती जाती है फिर देखती है? रोज नहीं आती। अच्छा, आपको मालूम नहीं था कि स्कूल 1 महीने से कैसे खुला हुआ? 1 महीना से नहीं खुला। हाँ। गेट नहीं खुला 1 महीना से? 1 महीने से गेट नहीं खुला था? नहीं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज है कि ग्रामीण बोल रहे हैं कि 1 महीने से अधिक का खुला हुआ जब स्कूल लॉकडाउन था। गेट नहीं खुला रहा है, खुला। हाँ, ये खुला तो ये इसका बोले नहीं तो प्रधानाचार्य से कि रूम क्यों खुला हुआ है? अभी बतिया अब वहाँ के ना बोले चाहिए, वो बोल रहे हैं कि सब आप पे डाल दिए। आप पे बोल रहे हैं कि वो क्या देखभाल कर रही है रसोई वाली, जो आप रसोई का काम करती है ना यहाँ पे, तो आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि सब उनको हमको बताना चाहिए। तो आपने उनको बताया नहीं कॉल करके? नहीं सर, नहीं बताए। तो ये बताइए, अगर इस क्लासरूम में कुछ भी गलत एक्टिविटी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई भी गलत काम होता है यहाँ पे तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, प्रधानाचार्य होंगे कि यहाँ के ग्रामीण होंगे? बताइए। अभी बताएं जब हम खाना बना के घर चल जाता नहीं तब ओकरी बाद हम। आप जिम्मेदारी ली है कि नहीं? नहीं, हम नहीं जिम्मेदारी ले लेबे। स्कूल का देखभाल जिम्मेदारी आप नहीं ली है? हम जिम्मेदारी बस स्कूल बंद भइल हम तब से हमें नहीं आवे नहीं ना हम घर में से निकल नहीं, बस खाना बने ला तबे बस हम आवे नहीं। हम परसों अइनी, हम समोहिम जात रही तो देखनी तो गेट खुलल रहे तो गईनी घरे पूछनी तो कहत लो सिकट काट के उठा ले गए जैसे एक जानी और बड़ी तो उन्हें की लगभग चबिया रहे तो पूछनी तो कहत रही सिकड़िया नहीं खेत गेटवा। अच्छा।